वेलकम टू एचएम क्लासेस। एचएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट इन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। 20 मल्टीपल सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, 600 प्लस वैकेंसीज हैं। नो एग्ज़ाम, डायरेक्ट सिलेक्शन है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद डायरेक्ट पोस्टिंग दे दी जाएगी। एज लिमिट आपको 45 से लेकर 55 ईयर्स तक देखने को मिल रही है एंड PhD इज नॉट मैंडेटरी फॉर दिस एग्जामिनेशन। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। चलिए हम देख लेते हैं, पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद पूरी डिटेल देंगे। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉजिक एंड फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, लाइफ साइंस और जूलॉजी। इसमें टोटल 606 वैकेंसीज हैं, जिसमें ST, SC, OBC वगैरह का पहले से ही क्लियर किया हुआ है कि कितनी पोस्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन से निकली हुई नोटिफिकेशन है, जिसमें आप फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 26 अक्टूबर से है, जो कि 25 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 606 इसमें वैकेंसीज हैं और ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन से एडवर्टाइजमेंट निकल कर आ रही है। और इसकी और डिटेल देख लेते हैं। एज की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 45 इयर्स तक है, बाकी ST, SC, OBC वगैरह के लिए एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स दी हुई है, जो कि फॉर 55 ईयर्स तक भी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें हम, तो कंसर्न सब्जेक्ट में 55% मार्क्स चाहिए जनरल के लिए, और इसमें दिया हुआ है कि जैसे SC, ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी के कैंडिडेट को 5% की छूट दी गई है, यानी उनका कंसर्न सब्जेक्ट में 50% पर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ नेट होनी चाहिए या उस स्टेट की सेट होनी चाहिए। PhD इज़ नॉट मैंडेटरी। PhD अगर आप नहीं हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका नाम आएगा शॉर्ट लिस्टिंग में, तो इंटरव्यू करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन दिया जाएगा इसमें। और इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 400 रुपीज़ फ़ीस है इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए, और बाकी रिजर्व कैंडिडेट हैं उनमें छूट दी गई है फीस में भी। और मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, इसमें लिखा हुआ है साहब कि पहले शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के बाद इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन किया जाएगा। अगर अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें, इसमें अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन में एक मेन कंडीशन दी हुई है जिसको आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। इसमें आप अप्लाई तो कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है द कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी एनी स्टेट, मतलब कैंडिडेट किसी भी स्टेट से हो वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सेकेंड कंडीशन दी हुई है कि द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक इन उड़िया एंड शुड हैव पास्ड अपर प्राइमरी एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद उड़िया एज अ सब्जेक्ट, यानी अपर प्राइमरी लेवल पर उड़िया एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए और कैंडिडेट जो उड़िया लिख सके, पढ़ सके, बोल सके, उनके ये मेन कैंडिडेट, मतलब मेन एलिजिबिलिटी कंडीशन पे प्रॉब्लम कर रही है। जो उड़िया लैंग्वेज से वाकिफ हो अच्छी तरह से, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो अप्लाई कीजिए, अप्लाई करें, और 99% जॉब उनकी है ही है, क्योंकि उड़िया लैंग्वेज हर स्टेट के कैंडिडेट को लिखना, पढ़ना और बोलना नहीं आती है। तो जो
अगर ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एक तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद अगर देखें हम इसमें मेन आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ से अप्लाई करना है, ये पूरा नोटिफिकेशन आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप इसकी मेन वेबसाइट पर आ जाइए। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, और जैसे ही आपको उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन वेबसाइट ओपन होती है, यहाँ पर आपको यहाँ पे इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ये 8 अक्टूबर की पीडीएफ है और इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं वो 26 अक्टूबर से हो रहे हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।